वेदांता में 6% की भारी गिरावट, मूडीज ने बिगाड़ा निवेशकों का मूड। वेदांता शेयर प्राइस। वेदांता के शेयरों में बिकवाली का भारी दबाव दिख रहा है। इसके शेयरों में बिकवाली की वजह वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अनिल अग्रवाल की इस कंपनी की रेटिंग को डाउनग्रेड कर CAA1 से CAA2 कर दिया है। इसके चलते आज वेदांता के शेयर इंट्राडे में BSE पर 6.27% टूटकर 210 रुपए पर आ गए थे, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का निचला स्तर है। इसके बाद भाव में थोड़ी रिकवरी तो हुई है, लेकिन अब भी यह काफी दबाव में है। फिलहाल BSE पर यह 5.65% की गिरावट के साथ 211.40 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। मूडीज ने क्यों कम की रेटिंग? मूडीज ने वेदांता की रेटिंग को डाउनग्रेड कर CAA1 से CAA2 कर दिया है। वेदांता रिसोर्सेज और इसकी पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस 11 दोनों के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड की रेटिंग को भी CAA2 से कम कर CAA3 कर दिया है। सब्सिडियरी के अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स की वेदांता रिसोर्सेज गारंटर है। इसके अलावा इनका आउटलुक भी वेदांता ने निगेटिव रखा है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज ने अगले साल मैच्योर होने वाले डेट की रिफाइनेंसिंग को लेकर कुछ खास नहीं किया है और इसके चलते डेट रिस्ट्रक्चरिंग का रिस्क बढ़ा है। जनवरी 2024 और अगस्त 2024 में इसके $100 करोड़ के डेट मैच्योर हो रहे हैं। और भी रेटिंग एजेंसियों ने किया वेदांता को डाउनग्रेड। इससे पहले मार्च में क्रिसिल ने वेदांता की रेटिंग को स्टेबल से निगेटिव कर दिया। क्रिसिल ने कंपनी के लोअर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और उम्मीद से अधिक फाइनेंशियल लीवरेज की संभावना के चलते इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की थी। वहीं इंडिया रेटिंग्स ने वेदांता पर अपना आउटलुक रिवाइज कर निगेटिव कर दिया था। इंडिया रेटिंग्स ने कर्ज की बढ़ी हुई लागत पर रिफाइनेंसिंग के बढ़ते रिस्क के चलते आउटलुक में यह बदलाव किया था। पिछले हफ्ते 21 सितंबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के रूप में 2500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कंपनी के मुताबिक फंड जुटाने की यह योजना इसकी रूटीन रिफाइनेंसिंग का एक हिस्सा है।